सीताराम दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए हैं और यहाँ पर पहले हम महाराज जी की कुटिया में टीना शेड और कुटिया निर्माण के लिए जो सामग्री दिलवाए थे, महाराज जी की इच्छा थी कि सामने जो है जाली और एक दरवाज़ा लगवाने की। ये आप देख रहे हैं, ये महाराज जी का कांटों का दरवाज़ा है और सामने आप देख सकते हैं ये जो टट्टा लगे हुए हैं ये कांटों के लगे हैं। महाराज जी की इच्छा है कि यहाँ से वहाँ तक जाली लग जाए और यहाँ पर एक दरवाज़ा लग जाए। तो आज हम महाराज जी को लेकर जा रहे हैं दुकान पर और एक दरवाज़ा महाराज जी के लिए बनवाना है और जाली भी वहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए लाना है। और जो महाराज जी के लिए पाइप और टीना सेट आए थे वो लग चुके हैं, आप देख सकते हैं, और अभी आपको अंदर से भी दिखाते हैं। बाहर से महाराज जी ने ये कांटे और कुछ कपड़े डाल दिए हैं ऊपर से, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ऊपर कूदते फांदते हैं, इसलिए महाराज जी ने ऊपर से कपड़े डाल दिए हैं और कांटे भी डाल दिए हैं जिससे बंदर परेशान ना करें। आइए आपको अंदर के दृश्य दिखा देते हैं। अंदर से ये टीना वगैरह सब दिख रहा है, तो आइए सीधा अंदर चलते हैं। और ये देखिए, ये महाराज जी का दरवाज़ा कांटों का दरवाज़ा है, इस तरह से बंद कर देते हैं और इस तरह से खुल जाता है, लेकिन इसको भी बंदर तोड़कर घुस जाते हैं। जो है महाराज जी लग गया टीना सेट जी, सीताराम टीना सेट लग गया। हाँ, जाली और गेट की जरूरत थी, जाली और गेट की जी। ये सामने से महाराज जी लगाने के लिए जी। तो बंदर तो ये जो कांटों का ये जो टट्टा लगा है जी, तो बंदर इसको तोड़ डालते हैं क्या? तोड़ करके घुस जाते हैं, बहुत नुकसान करते हैं, घुस जाते हैं ना जी। जो भी सामग्री है तो तहस नहस कर देते हैं, सब इधर का उधर हाँ कर देते हैं और सब। तो टीना और पाइप महाराज जी हो गए थे ना? हाँ जी, खूब पूछ गए थे ना। हाँ, पर्याप्त हो गए हैं जी जी जी। आप देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है जो कंप्लीट हो चुकी है, बस सामने से शेष है। और महाराज जी बस सामने भर से शेष है, बस सामने भर से जरूर। और ऊपर से महाराज जी खूब सारे कांटा डाल दिए हैं भाई, बंदरों के लिए डालना ही पड़ता है। हाँ हाँ, अब यहाँ जो कांटे न डाले जाए तो बंदर दिन भर कूद फांद करते हैं और बहुत सा नुकसान करते हैं जी जी। तो ये दीवार आपके हो गई महाराज जी, और सामने से ये पिलर भी खड़े करवाए जी जी। अच्छा, और ये दीवार हो गई, इसमें चूना पोत दिए महाराज जी? हाँ हाँ, चूना पोत दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर आपका भोजन प्रसाद यहीं पर बनता है ना महाराज जी? जी। तो महाराज जी कपड़ा पहन लीजिए, आप दुकान चलिए और वहाँ से दरवाजा और जाली जो है आपको दिलवाते हैं। ठीक, प्रभु की इच्छा से महाराज जी हो रहा है। अरे हाँ, सब ठाकुर जी की इच्छा है। हाँ, मेरा इसमें महाराज जी कोई रोल नहीं है। नहीं नहीं, वो जो है सब ठाकुर जी की इच्छा से हो जी रहा है। का है, जस सब उन्हीं का है ही है। सब संपत्ति रघुपत करे आई, ये जितनी संपत्ति है संसार में सब भगवान की है जी। ये कोई मत कहे कि ये हमारा है, ये हमारा है। जी जी, जब तक का जीवन है तब तक का हमारा है, और जहाँ चले गए तब से सब भगवान की है जी। बिल्कुल महाराज जी, यूज करने के लिए मिली है बस बस, बस। और जाते ही ये सब दूसरे के हैंड ओवर हो जाएगी। सब संपत्ति रघुपत कर आई, जो बिन जतन चले बिन जाए जी। उसको इसको जतन से चलाना चाहिए जी। शरीर मिलता है तो इसको जतन से चलाना चाहिए जी। ये बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, बिल्कुल इसको देवता लोग तरसते हैं जी कि हम मनुष्य का शरीर पाएं तो हम भजन करें जी। तो बार बार नहीं मिलता है, 84 योनि के बाद ये मिलता है जी। जब 84 योनि भोगना पड़ता है। हाँ भाई, ये जीव जो है 84 योनियों में जाता है जी, चाहे जिसका हो जी। आज मनुष्य तो कल पशु होंगे, कल पक्षी होंगे जी। ये इस प्रकार भटकते भटकते 84 योनियों के बाद जी ये मनुष्य का शरीर मिलता है जी। तो महाराज जी, आपकी इच्छा हो तो तैयारी बनाइए। ठीक है, तैयारी बनाइए, दुकान चलते हैं। ठीक, और साथ साथ वहाँ से बनवा के और एक समय धरवा के यहीं आपके रखवा देता हूँ। ठीक है, ठीक। आप लोगों ने सहयोग किया, महाराज जी की कुटिया का निर्माण हो गया। जो काम शेष है तो वो भी एक दो दिन में कम्प्लीट हो ही जाएगा।
तो फाइनली दोस्तों हम महाराज जी को लेकर जा रहे हैं बाज़ार। और ये देखिए, ये महाराज जी का दरवाज़ा है अभी कांटों का, इस तरह से लगाते हैं। और बंदरों से बचने के लिए ये जुगाड़ है, लेकिन इसको भी तोड़ फाड़ कर बंदर घुस जाते हैं, और ख़तरनाक भी है। हाथों में लग जाए इसका कांटा तो बहुत ज़्यादा विषैला भी होता है। हो गया महाराज जी, बंद हो गया? हाँ, अच्छा, इसमें लाग को आप कुछ नहीं लगता, ऐसे रहता? क्या लाग में लगा? सब साधारण सा काम रहता। ये देखे दोस्तों, तो अब हम महाराज जी को लेकर जा रहे हैं बाज़ार, और महाराज जी के लिए लेकर आते हैं जाली और दरवाज़ा। तो दोस्तों, दुकान पर हम आए और महाराज जी के लिए दरवाजे का ऑर्डर कर दिए हैं। दुकानदार बोला है कि अगले 2 दिन के बाद हम दरवाज़ा बना कर देंगे, इसलिए हम अब जा रहे हैं और महाराज जी को 2 दिन के बाद ले कर इसी दुकान पर आएंगे, और महाराज जी का दरवाज़ा और जाली दोनों एक साथ ले जाकर महाराज जी की कुटिया में लगवा देंगे। आज महाराज जी के लिए ऑर्डर कर दिए हैं दरवाजे का, और जाली भी कटवा लिए हैं, लेकिन अब दोनों आइटम साथ में ही लेके जाएंगे। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।